Hello students, welcome to you at physics classes. Today we are going to start the chapter flotation. आज हम लोग flotation chapter start करेंगे और flotation में basically हम लोग यहाँ पर NTSC का syllabus cover करेंगे, चाहे वो stage 1 का syllabus हो चाहे stage 2 का syllabus. तो start करते हैं हम लोग flotation. Flotation में जो हम लोग first topic लेंगे वो हम लोग लेंगे fluid. Fluid name से clear है कि ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड. यानी ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सके हम लोग उसे फ्लूइड बोलेंगे. फ्लूइड्स बेसिकली लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं. यानी लिक्विड भी फ्लो कर सकता है उसे भी हम लोग फ्लूइड बोलेंगे, गैसेस भी फ्लो कर सके उन्हें भी हम लोग फ्लूइड बोलेंगे. तो लिक्विड और गैसेस को हम लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लूइड है क्या. तो द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सके उन्हें हम लोग फ्लूइड बोलेंगे. फ्लूइड में हम लोग किन्हें कंसीडर करेंगे, तो लिक्विड एंड गैसेस को कंसीडर करेंगे. लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स. लिक्विड और गैसेस को हम लोग फ्लूइड्स लेंगे. ये तो क्लियर होगा. अब देखो फ्लूइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो फ्लूइड्स को हम लोग क्या करेंगे, दो कैटेगरी में लेकर के चलते हैं. यानी फ्लूइड को अगर रेस्ट में रख के स्टडी करें और फ्लूइड को मोशन में रखकर स्टडी करें. यानी फ्लूइड को जब हम लोग रेस्ट में रख के स्टडी करेंगे और फ्लूइड को जब मोशन में रख के स्टडी करेंगे, तो फ्लूइड को रेस्ट में रख के जब स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. यानी जब फ्लूइड को रेस्ट में रख के स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और फ्लूइड को जब मोशन में रख के स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं. हाइड्रोडायनेमिक्स बोलेंगे. तुमने यहां पर देखा कि जब फ्लूइड रेस्ट में होगा तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और जब फ्लूइड मोशन में होगा तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं. तो अभी हम लोग वन बाई वन करके इनको स्टडी करेंगे. अभी हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पर फोकस करते हैं. तो हाइड्रोस्टैटिक्स से हम लोग अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक अब लेने वाले, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डेंसिटी. तो वन बाई वन करके हम लोग चेक करेंगे. तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डेंसिटी. तो डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी को डिफाइन करें तो डेंसिटी है क्या, द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. यानी जिस सब्सटेंस का हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है उस सब्सटेंस के मास और वॉल्यूम का जो रेशियो लेंगे उसी से हम लोग क्या करेंगे, उस सब्सटेंस का डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. यानी डेंसिटी अगर हम लोग निकाले डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस. तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया डेंसिटी के लिए. अगर डेंसिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास ऑफ सब्सटेंस को एम मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को वी मान लिया. तो रो इज एम बाई वी, दैट इज डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम. अब हम लोग बात करेंगे यहां पर इसके यूनिट की. तो यूनिट की अगर हम लोग बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो यहां पर दोनों यूनिट हम लोग लिखेंगे. एक तो एसआई में अगर बात करें डेंसिटी के यूनिट की, तो ये हम लोग लेंगे केजी पर मीटर क्यूब. और जब हम लोग सीजीएस में बात करेंगे डेंसिटी के यूनिट की, यहां पर हम लोग लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो सीजीएस में और एसआई में हमने देखा यहां पर डेंसिटी का यूनिट हमें क्या लेना है, तो हमें केजी पर मीटर क्यूब एसआई में लेना है, और सीजीएस में हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना है. तो इस तरह से हम लोगों ने डेंसिटी देखा. अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है. तो रिलेटिव डेंसिटी चेक करते हैं. नेक्स्ट हम लोग लेंगे रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हैं. तो रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन जो अपने पास आएगा इसमें लेते हैं, द रेशियो ऑफ यहां पर हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर. द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस
टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का डेंसिटी हमें कितने पे लेना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर लेना है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी होता है, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को अगर आरडी से रिप्रेजेंट कर ले रिलेटिव डेंसिटी, तो यह है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो रिलेटिव डेंसिटी का अगर यूनिट की बात करें तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, क्योंकि ये सेम टाइप फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो ले रहे हम लोग, डेंसिटी टू डेंसिटी का रेशियो ले रहे हैं, तो इसका यूनिट नहीं हो। दूसरी चीज हम लोग बात करें वाटर के डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर एसआई में लेंगे, एसआई में, तो ये मिलेगा हमें 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में अगर हम लोग लेंगे वाटर का डेंसिटी सीजीएस में, तो ये हमें मिलेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एसआई में हमने देखा वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, और एसआई सीजीएस में हमने देखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमने वाटर का डेंसिटी देख लिया। अब इस पर जस्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहां से रिलेटिव डेंसिटी पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी पर हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, सपोज कर ले, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल अपने पास 0.8 दे रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, यानी हमें एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड आउट करना है, और वो एब्सोल्यूट डेंसिटी हमें एसआई में भी फाइंड आउट करना है और सीजीएस में भी फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमें यहां पर एसआई में निकालना है तो पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी यानी रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें किसमें लेना है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर हमें एसआई में निकालना है तो रिलेटिव डेंसिटी तो 0.8 है, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर भी क्या करना होगा, एसआई में पुट करना होगा। यहां पर 1000 पुट करेंगे, तो 1000 जब पुट करेंगे तो ये हमारा 800 आ जाएगा, और इसका यूनिट एसआई में केजी पर मीटर क्यूब ले लेते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन एसआई। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इन सीजीएस, तो सीजीएस में लेंगे तो 0.8 तो रिलेटिव डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस, और डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस 1 है, तो ये 0.8 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमने ले लिया। तो ये जो हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एसआई और सीजीएस में निकाल चुके हैं, यही एब्सोल्यूट डेंसिटी है इसका एसआई में और सीजीएस में। तो हम लोगों ने यहां से क्लियर, और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो लेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर का डेंसिटी देखते हैं कि किस तरह से हमें किसी मिक्सचर का डेंसिटी फाइंड आउट करना है, यानी जब दो या दो से ज्यादा अगर अपने पास सब्सटेंस गिवन होंगे तो उन सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो उसके मिक्सचर का जो डेंसिटी होगा वो किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें चेक करना है। तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे टॉपिक डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के लिए हम लोग करेंगे क्या कि दो या दो से ज्यादा हम लोग सब्सटेंस लेंगे, दो या दो से ज्यादा हमें सब्सटेंस लेने हैं। सपोज कर ले हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में अपना डेंसिटी जो इसका रो वन है और मास सेम वन है, ये अपने पास लिक्विड वन है। सिमिलरली
इसको ऐड कर देंगे लिक्विड टू के साथ, ये लिक्विड टू के साथ हमने इसे ऐड कर दिया जिसका डेंसिटी रो टू है और मास एम टू है। अब ऐड करने के बाद इससे क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, और उस मिक्सचर का जो डेंसिटी है उसको रो मिक्सचर मान लेते हैं, और हमें रो मिक्सचर ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का जो हम लोग फॉर्मूला नॉर्मली यूज करेंगे वो क्या होगा, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, यहां पर कितना लेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो रो मिक्सचर दैट इज डेंसिटी, अब टोटल मास कितना है, फर्स्ट वाले का मास प्लस सेकंड वाले का मास, तो एम वन प्लस एम टू टोटल मास आ गया, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम में फर्स्ट वाले का वॉल्यूम प्लस सेकंड वाले का वॉल्यूम। और फॉर्मूला क्या आपके पास डेंसिटी के लिए, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम अगर यहां से निकाले तो वी वन कितना हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, तो एम वन बाई रो वन, मास बाय डेंसिटी वॉल्यूम है, तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम निकाल लिया। इसी तरह से हम लोग सेकंड वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो सेकंड वाले का मास डिवाइडेड बाई सेकंड वाले का डेंसिटी, तो ये आ गया V1 प्लस V2, यानी V1 आ गया फर्स्ट वाले का वॉल्यूम, V2 आ गया सेकंड वाले का वॉल्यूम, और हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम लेना है, तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम यानी V1, तो V1 इज M1 by Rho1, और सेकंड वाले का वॉल्यूम M2 by Rho2। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं। अगर अपने पास मास और डेंसिटी दिया जाए और इस तरह से हम लोग दो सब्सटेंस को अगर मिक्स करेंगे तो उसके मिक्सचर का जो डेंसिटी होगा उस इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि अगर M1 M2 के बराबर हो, यानी दोनों का इक्वल मास लेकर के अगर हम लोग क्या करें, मिक्स करें, तो इफ M1 इक्वल टू M2 देन रो मिक्सचर दैट इज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, यानी अगर M1 और M2 दोनों को बराबर कर दें तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, यानी M1 M2 को हम लोग क्या कर लेंगे, एम मान लेते, एम वन बराबर एम टू बराबर एम देन, तो यहां भी एम रख रहे हैं यहां भी रखते हैं, एम प्लस एम टू एम हो जाएगा और यहां से एम कैंसिल लेंगे, तो यहां से फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो टू रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो टू, इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। तो ये फाइनल फॉर्मूला अपना बनेगा, नहीं इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू एम पुट कर देना, जहां जहां एम वन है वहां भी एम रखना है, एम टू को भी एम रखना है, फाइनल सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा यहां से टू रो वन रो टू बाई रो वन प्लस रो टू। तो इस तरह से हमने इसका एक केस सॉल्व कर लिया, इसको केस वन ले लेते हैं, ये केस वन है, तो केस वन हमने इसका सॉल्व कर लिया कि डेंसिटी अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी अपने पास रो वन है और उसका मास एम वन है और दूसरे लिक्विड का डेंसिटी रो टू है और मास एम टू है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो उससे जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का डेंसिटी हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दोनों का इक्वल मास लेकर के मिक्स करते तो इस फॉर्मूले से उस मिक्सचर का डेंसिटी फाइंड आउट करते। नेक्स्ट केस हम लोग इसमें चेक करेंगे केस टू, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में हम लोग केस टू चेक करते हैं कि केस टू हमें क्या लेना है डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में और किस तरह से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि अभी जो हमने लिया था किस तरह से मिक्स किया था, हम लोगों ने अभी यहां पर मास और डेंसिटी लेकर के मिक्स किया था। अब हम लोग थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे और चेंज करके फिर इसका केस टू बनाते हैं, तो केस टू उसी तरह से हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, लिक्विड वन ले लेते हैं, ये लिक्विड वन हमने ले लिया जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं डेंसिटी ले लेते हैं, और यहां पर हम लोग डेंसिटी और मास हमने लिया था, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं डेंसिटी और वॉल्यूम ले लेते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको मिक्स कर देंगे सेकंड लिक्विड के साथ, सेकंड लिक्विड के साथ मिक्स कर देंगे, तो इसका डेंसिटी रो टू और वॉल्यूम वी टू ले लेते हैं, और इससे जो मिक्सचर बनेगा, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही लेना है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो इससे जो मिक्सचर बनेगा अपना, उस मिक्सचर का डेंसिटी मिक्सचर, उस मिक्सर का जो डेंसिटी बनेगा उसको रो मिक्सर मान लेते हैं, मिक्सर का डेंसिटी को हमने रो मिक्सर मान लेते। अब फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा था कि रो मिक्सर फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम लेना, क्योंकि डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मिक्सर ले रहे हैं तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम लेना। अब अपने पास यहां पर मास तो दे नहीं रखा, तो मास नहीं दे रखा, तो मास को कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम है, तो यहां से मास निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यहां से इसी तरह से अगर एम वन निकालें तो इसका एम वन कितना हो जाएगा, तो एम वन रो वन वी वन हो जाएगा। सिमिलरली एम टू कितना है, एम टू, तो एम टू कितना हो जाएगा, यहां से एम टू निकाल लेते हैं, तो एम टू कितना हो जाएगा, ये रो टू वी टू हो जाएगा।
तो एम वन एम टू निकाल चुके हैं, तो टोटल मास अपने कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल मास दैट इज एम वन प्लस एम टू, और टोटल वॉल्यूम कितना वी वन प्लस वी टू। एम वन हमने निकाला है कितना है अपने पास, रो वन वी वन है, एम टू कितना है रो टू वी टू है, और डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू है, और ये आ गया अपना फॉर्मूला रो मिक्सचर का, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। इस कंडीशन में हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का हम लोग फॉर्मूला बना चुके हैं, फिर यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या की, जैसे हम लोगों ने वहां पर इक्वल मास लेकर के मिक्स किया था, अब अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम लेकर के मिक्स करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यानी इफ वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी देन। तो इस केस में जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा रो वन प्लस रो टू बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का, अगर इक्वल वॉल्यूम लेकर के हम लोग क्या करें, मिक्स करें। तो हमने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का कंडीशन देखा कि किस तरह से हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। यहाँ पर दो या दो से ज्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, कंडीशन हमें इसी तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेंसिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं और किस तरह का क्या कंडीशन बनेगा, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। यही डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है हमें वो यहां पर स्टडी करना है। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अब हम लोग एक बात देखते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, यानी इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कराए तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और हमें पता है कि डेंसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा, यानी डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इसको अलग से लिख लेते हैं, जैसे टी हमने टेम्परेचर ले लिया, अपसाइड एरो हमें शो कर रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इससे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अपसाइड एरो, और तो डेंसिटी क्या होगा, रोज डेंसिटी ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अपसाइड एरो इंक्रीजिंग के लिए और डाउनसाइड एरो डिक्रीजिंग के लिए। तो ये हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, तो डेंसिटी का इफेक्ट टेम्परेचर पर किस तरह से है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट है डेंसिटी के ऊपर वो चेक करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे, इसी तरह से जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो वॉल्यूम बढ़ा था, लेकिन प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, देन वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या है, इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर को बढ़ा रहे, प्रेशर को बढ़ा रहे, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अपसाइड एरो यहां भी क्या है, इंक्रीजिंग के लिए, डाउनसाइड एरो क्या है, डिक्रीजिंग के लिए। तो इस तरह से हमने यहां पर चेक किया।